Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go? Hi guys, welcome back to my channel Creative Yamini. Today I'm gonna share with you this video जो कि है my makeup discard. Yes guys, तो मैं काफ़ी सारा makeup discard करने वाली हूँ, फेंकने वाली हूँ, डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ. यस गाइस, तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं. वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाले सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एंड यहाँ पर जो भी स्टोरेज बॉक्सेज हैं उनको भी मैं चेंज करने वाली हूँ ताकि कम स्पेस में मैं ज़्यादा मेकअप रख सकूँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेज में हैं जिसकी वजह से स्पेस भी इतना नहीं मिल रहा था. यहाँ पे एक ये पेन स्टैंड टाइप का है जिसमें चार अपार्टमेंट्स दे रखे हैं, उसको मैं तीन अपार्टमेंट्स में चेंज करूँगी क्योंकि एक की ज़रूरत नहीं है. तो एक ये ट्रांसपेरेंट तीन ग्लासेस है जिसमें एक में मैंने कलर काजल रखे हैं, एक में मैंने ब्लैक काजल रखे हैं एंड एक में मैं रखने वाली हूँ अपनी सारी लिप पेंसिल्स. और इसमें से भी लिप पेंसिल्स कुछ मुझे डिस्ट्रॉय करनी थी, बट अभी मैं किसी के पास मतलब अपने मेकअप को दे नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई है नहीं. अगर कोई होगा तब मैं कुछ और प्रोडक्ट्स और डिस्कार्ड करके दे दूँगी. तो जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ या मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने किए हैं या मुझे यूज़ करने में नहीं आते, वो प्रोडक्ट्स मैं किसी और को दे देती हूँ. ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद में उन्हें देती हूँ. ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो प्रोडक्ट्स मैं दे देती हूँ ताकि एटलीस्ट कोई पर्सन उसको यूज़ कर ले, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद वो मुझे फेंकने में ही देने हैं. इस तरीके से तीन क्लासेस में मैंने अपना मेकअप रख लिया है, लाइक आई मेकअप बेसिकली. नेक्स्ट ये मेरी लाइनर की बास्केट है एंड आप देख सकते हो ये ओवरलोडेड हो रखी है. तो ये गाइस, इसमें से काफ़ी सारे लाइनर्स मैं डिस्कार्ड करूँगी, प्लस इसमें बहुत सारे ग्लिटर शिमर्स कलर लाइनर्स हैं. तो जो ब्लैक लाइनर्स है वो मैं इस बास्केट में रखूँगी, बाकी के जो भी लाइनर्स है वो मैं हटाने वाली हूँ. जैसे ये दो है तो अभी मैंने दोनों को रख दिया है, जब मुझे कोई मिलेगा जिसको मैं दे सकती हूँ मैं उसको वो दे दूँगी. तो ये न्यू लाइनर है जो आप देख सकते हो. इस तरीके के हार्डबोर्ड बॉक्स में जो भी लाइनर्स रखे थे उनके हार्डबोर्ड बॉक्स भी मैंने फेंक दिया है ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और चीज़ें समझ में आएँ कि क्या है यूज़ करने की क्या नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है तो नहीं पता चलता कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, समझ भी नहीं आती चीज़ें. वही ऊपर से रखो और ऊपर से निकालो वाला फंडा हो जाता है मेरे साथ. तो यहाँ पर कुछ ब्लू लाइनर्स भी थे मेरे पास, तीन चार, एंड कुछ मैं अपनी सिस्टर्स को भी दे रही थी प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे कुछ कलर लाइनर्स थे जो कि इस तरीके से टैग वगैरह लगे हुए थे, उनको भी मैंने रिमूव किया क्योंकि मैं ये दो लाइनर्स जो थे वो ड्राई हो चुके थे तो मैंने इनको डिस्कार्ड कर दिया था, फेंक दिया था. ग्रीन वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा था बट वो मैंने बाद में अपनी सिस्टर को दे दिया था. वाइट वाला बिल्कुल ड्राई हो चुका था. तो लाइनर्स का काम हो चुका है. नेक्स्ट इज़ दिस, ये है मस्कारास. तो मस्कारास में बहुत सारे ड्राई हो चुके हैं. ये कलर एसेंस का मस्कारा जो ये भी ड्राई हो चुका था बट मैंने इसको रख लिया क्योंकि ये मैंने मस्कारास में डिस्कार्ड कर रही हूँ. एंड ये कुछ न्यू मस्कारा है मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो, एंड यहाँ पे बहुत सारा मुझे पता चला कि ऐसे मस्कारा है जो मैंने यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है. लाइक वेड एंड वाइट का था, ये ब्लू हेवन का है एंड ये वेड एंड वाइट का था. और लैक्मे के मेरे पास दो मस्कारा है, मेबलिन के मेरे पास तीन मस्कारा है एंड मैक के भी मेरे पास दो है, लेकिन मैक के मैंने दोनों डिस्कार्ड कर दिए हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट टू इयर्स. सो नेक्स्ट जो बास्केट मैंने यहाँ पे पिक की है वो कंसीलर्स की है. एंड यहाँ पर मैंने एक खाली बास्केट और रखी है जिसमें मैं वो प्रोडक्ट्स रखने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है ताकि मैं इनको पहले फिनिश करके ख़त्म कर सकूँ.
और थोड़ी सी स्पेस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे कंसीलर्स को एक बास्केट में रख लिया है। तीन कंसीलर निकाले थे, एक हाफ एन हाफ का, मीनाओ का एंड ये एनवाबी का। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे कंसीलर्स को भी स्टोर कर लिया। एंड इस टाइम पर आई डोंट थिंक सो मुझे मेकअप की ज़रूरत है, इसलिए मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू की भी रिक्वेस्ट आई थी, बट मैं वो नहीं बाय कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर मुझे कुछ असेंशियल्स बाय करने हैं। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक 7 ब्लशेस हैं, 3 एंड अभी हाँ 7 to 8 ब्लशेस हैं। तो ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें मैं रखने वाली हूँ अपने सारे कॉन्टोर एंड ब्लशर पैलेट्स। तो देखिए आप इसमें भी बहुत सारे ब्लशेस हैं, हाइलाइटर्स हैं, ये फेस पैलेट्स है, तो 5 फेस पैलेट है। तो मुझे आई थिंक किसी कंटोर की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये है मेरी हाइलाइटर का बॉक्स, तो ये मैं कोई बास्केट में नहीं रख रही हूँ, इसे मैं बॉक्स में ही रख रही हूँ। तो इसमें मैं सारे अपने हाइलाइटर्स रखने वाली हूँ। ये एक हाइलाइटर है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड ये मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था, बट फ्लिपकार्ट पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। एंड सारे बॉक्सेस को मैंने अच्छे से डस्ट ऑफ कर लिया था ताकि जो भी बाल है इसमें से वो रिमूव हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अभी किसी हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक लेने का सोच रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का। प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी मैं बाय करने का। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको बाय करूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें मैंने अपने सारे मिनी आई शेडो कॉर्ड्स, लिपस्टिक्स, लिक्विड आई शेडोज, लिक्विड लाइनर्स, ग्लिटर शिमर्स, ग्लिटर जेल शिमर्स, ये सारी चीज़ मैं इसमें रख रही हूँ। एंड मैंने अभी शिमर पॉट्स भी लिए हैं, 25 शिमर पॉट्स मीशो से, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो वो भी कुछ शेड्स में यहाँ पे रखूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारे शेड्स सिमिलर है, तो एज अ बैकअप मैं उनको रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सारे लिक्विड जो भी ग्लिटर्स लाइनर्स शिमर्स लाइनर्स थे वो अपनी दूसरी वाली बास्केट से हटा रही हूँ, ताकि इस वाली पिंक वाली बास्केट में मैं सारे ब्लैक कलर के लाइनर रखूँ ताकि मुझे समझ में आए कि क्या यूज़ करने का है क्या नहीं। नेक्स्ट जो बास्केट मैंने पिक की थी उसमें मेरे सारे ब्लशेस, सॉरी प्राइमर्स, मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड मेकअप रिमूवर था। वैसे मेरे पास एक ही मेकअप रिमूवर है, पोन्स विटामिन ई का मिसेला वाटर, तो सारे मैंने इसमें रख दिए थे। एंड 2 प्राइमर मैंने निकाल लिए एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने निकाल लिया ताकि मैं उनको जल्दी फिनिश कर सकूँ। एंड इसमें मैंने अपनी लैशेस भी रख ली हैं, एक शीन की है, एक फ्लिपकार्ट की है, एक नायका की है। ये बास्केट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। नेक्स्ट जो बास्केट थी वो थी फाउंडेशन की, तो कांच की बॉटल्स जो थी उनको मैंने बाहर निकाल दिया एंड जो भी लिक्विड थे उसको इस तरीके से निकाल लिया एंड उसको भी अच्छे से डस्ट ऑफ कर लिया। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदगी निकली, आई डोंट नो ड्रॉज में भी ये कैसे हो जाता है गंदगी। बट यहाँ पे मेरे पास 2 ही बीबी क्रीम्स थी, ज़्यादा बीबी क्रीम्स नहीं हैं, कुछ सीसी क्रीम्स हैं। आप देख सकते हो ये 3 मेरे पास सनस्क्रीम्स हैं एंड जो भी हार्डबोर्ड बॉक्स में थे उनको मैंने हटा दिया है, बस 2 ही बीबी क्रीम है। मैंने ऑलरेडी 6 से 7 बीबी क्रीम, सीसी क्रीम डिस्कार्ड कर दी है, गार्नियर की बीबी क्रीम एंड किस ब्यूटी की बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और सिस ब्यूटी का भी शायद समथिंग कुछ था, स्टे कॉकी की थी, एनवाईबी की थी, तो एनवाईबी की मैंने सिर्फ 1 सीसी क्रीम रखी हुई है एंड आप देख सकते हो स्पेस हो गया। नेक्स्ट जो बास्केट थी वो मेरी कॉम्पैक्ट की थी एंड कॉम्पैक्ट मैंने कुछ डिस्कार्ड नहीं किए थे, बट हाँ एक मेरा टूट गया था। सो इस तरीके से बास्केट को खाली कर लिया है, जो भी कॉम्पैक्ट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने रख लिए हैं एंड ऑलरेडी कुछ कॉम्पैक्ट्स फिनिश हो गए हैं, कुछ मैंने मेरी सिस्टर को दे दिए हैं, थ्रो कर दिए हैं। तो ये गाइस इस तरीके से, ये एक टूट गया था, DIY था, वो टूट जाता है तो अच्छे से सेट नहीं होता है, तो उसको भी मैंने थ्रो आउट कर दिया है। वो एक प्राइमर भी मैंने थ्रो आउट कर रखा है, वो सारा सामान आप जो नीचे देख रहे हैं वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। एंड ये सारे मेरे आई शेडो पैलेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स है क्योंकि मल्टी कलर आई मेकअप लुक एंड डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लुक की वजह से रखने पड़ते हैं। और इस टाइम पे मैंने ब्राइडल मेकअप करना भी स्टार्ट किया है, सो मुझे ज़रूरत होती है इन सब की, बट मुझे कुछ पैलेट्स और लेने हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि लूँ। एंड ये मैक का है, हुडा ब्यूटी का है, मालियो का आई शेडो पैलेट, मेरे हाथ में सिफार का है, ये मार्स का आई शेडो पैलेट है, ये M&M का आई शेडो पैलेट है
एंड मेबलिन फिटमी का मेबलिन का 22 के न्यू जायश पैलेट है, एस एफ आर के 3 पैलेट है, सेम साइज़ के 4 पैलेट थे तो एक साथ उनको मैंने रख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एस एफ आर का है, ये भी तीनों एस एफ आर के पैलेट्स जो मैंने साइड में रखे हैं, क्योंकि अगर मैं साइड में नहीं रखूँगी तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी इनको रखने के लिए और मुझे अलग से एक और बास्केट रखनी पड़ेगी। एक एस एफ आर का था उसमें और एक हिलारी लोडा का था। नेक्स्ट इज़ दिस फेसिस कैनेडा का आई शेडो पैलेट एंड ये है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट और ये सब वन ब्रांड की वजह से मैंने लिए थे। एंड यहाँ पे ये वाला है 20 समथिंग का कफ्स एंड लैशेस का निधि कटियाल का एंड ये एस एफ आर का बड़ा पैलेट था जो इस बास्केट में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने इसको बाहर रखा था। बाहर रखने के लिए भी मेरे पास 2 पैलेट थे, मतलब इतनी पूरी बास्केट में, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बास्केट है मेरी वैनिटी की, बट फिर भी इसमें मेरे 4 आई शेडो पैलेट्स नहीं आए थे। ये स्मॉल कॉर्ड्स हैं हुडा ब्यूटी की, लैक्मी की थी, एक 4 शेड्स की पिकॉक शेड है उसमें मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस तरीके का एक छोटा पोपल का बॉक्स है जिसमें मैंने प्लकर्स, आईलैश ग्लू, कोम एंड आईलैश कर्लर, ये सारे आईलैशेस के संग ग्लू जो आते हैं वो मैंने थ्रो आउट कर दिए थे क्योंकि ये ड्राई हुए हुए आते हैं, यूज़ करने के नहीं आते हैं। जो 30 रुपीज़ की लैशेस आती है उनके साथ आते हैं ये, तो डुओ का यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये 4 मिरर है जो कि मैंने इसी में रख दिए थे, अलग से रखने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि अगेन मेरी स्पेस को स्टोर रख रहे थे और मुझे इस तरीके से बॉक्सेस में रखना ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो बास्केट थी वो मेरी थी ये ब्राउ पोमेल्स आईब्रो पेंसिल की, तो इस तरीके की 3 बास्केट है मेरे पास, एक जैसी जिसमें मैंने अभी ब्रॉन्जर रख दी है, एक में ब्लशेस रख दी है और एक में ये सारी चीज़ें रख दी हैं। एंड यहाँ पे मैं सारे जो भी पेंसिल्स हैं उनको रख रही हूँ, कुछ शार्पनर्स थे वो भी रख दिए। ये मैक की ब्राउ किट थी जो कि लाइट शेड टूट गया था तो मैंने उसको थ्रो कर दिया क्योंकि उसको सेट करने से कोई मतलब नहीं है, वो यूज़ में नहीं आने वाला है। 3 से 4 है मेरे पास, एक HR की थी जो मैंने अपने फ्रेंड को दे दी है क्योंकि ये 4 है यही आज तक फिनिश नहीं हो पाई तो वो भी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने चीज़ें दे देती हूँ मैं। एंड एक ये सैमसंग का बॉक्स था जिसमें मैंने अपने ब्रॉन्जर, शार्पनर्स, कलर कैरेक्टर्स रखे हुए हैं सारे। एंड इसमें मैंने अपने सीरम्स भी रख लिए थे क्योंकि सीरम्स मेरे पास ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 4 ही सीरम्स हैं। एक NYB का है जो कि ख़त्म होने वाला है तो मैंने उसको अलग निकाल के रखा हुआ था। ये गुड वाइब्स का है, डर्माडॉल का है और अगेन गुड वाइब्स का है, तो 2 गुड वाइब्स के हैं। और कुछ मॉइस्चराइज़र थे जो कि मुझे यूज़ करके फिनिश करने थे, एक बॉडी जेल था एंड जॉय की ये सनस्क्रीन थी। सो नेक्स्ट जो थी वो थी लिपस्टिक के 2 स्टोरेज बॉक्स एंड इसमें जो भी लिपस्टिक हार्डबोर्ड बॉक्स में थी उनको मैंने हटा दिया था क्योंकि उसकी वजह से मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था एंड मुझे इसमें ऑलमोस्ट 7 to 5 लिपस्टिक्स रखनी थी। तो इस टाइम पे मैं लिपस्टिक बाय भी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है एंड ज़रूरत भी नहीं है। आप देख सकते हो इस बॉक्स ने 3 लिपस्टिक की स्पेस जो है वो स्टोर करके रखी हुई थी, तो इस तरीके से मैंने अपने काफ़ी सारे लिपस्टिक्स को तो डिस्कार्ड नहीं किया था क्योंकि लिपस्टिक मैं ऑलरेडी डिस्कार्ड करती रहती हूँ, मुझे लगता है कि एक्सपायर हो गई है, फिनिश हो गई है तो मैं थ्रो कर देती हूँ उनको। तो यस गाइस, इस तरीके से लिपस्टिक को स्टोर कर दिया था एंड सी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दी है, काफ़ी सारे खाली बॉक्सेस, ड्राई लाइनर्स, ये 2 चीज़ें मैंने अलग हटा दी थी क्योंकि वो थी क्वांटिटी उसमें, ख़त्म नहीं हुए थे, वो ड्राई भी नहीं हुए थे बट मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी उनको, ना मैं यूज़ करती थी। तो यस गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेकअप जमा लिया है मैंने, डिस्कार्ड कर दिया है, स्पेस कर ली है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से नोटिफाइड हो पाएंगे।